वालेकुम, माय नेम इज़ जुबेर अली। आज हम क्या करेंगे कि स्विचिंग रिले को कंट्रोल करेंगे टाइमर रिले से। कि मैंने एक हमने प्रैक्टिकल किया था टाइमर रिले पे, क्योंकि टाइमर रिले हमेशा डिले करवाती है, क्योंकि अगर कोई हमें आउटपुट चाहिए वो सप्लाई आ गई है तो हम उस लोड पे डिले जाते हैं। जब भी हम ये इमरजेंसी के तौर पर लगा देते हैं टाइमर रिले, कि जैसे लाइट आ गई और क्या होगा कि लाइट जैसे ही हमारा लोड उसी टाइम ऑन हो जाता है। कि मेरा कोई लोड था, मैंने बटन ऑन कर दिया था और अचानक लाइट चली गई और लाइट फिर दोबारा अचानक आ गई, तो वो लोड चलता रहेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर लाइट ऑन ऑफ हो रही तो मेरा स्विच जो लोड है वो भी ऑन ऑफ होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसी लोड पर टाइमर रिले लगा देते हैं, 5 सेकेंड 10 या 20 सेकेंड का डिले लगा देते हैं। जैसे लाइट आ जाए हमारे तो 10 मिनट के बाद वो लोड चले, ताकि जो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी होती रहेगी तो हमारा लोड ऑन ऑफ होता रहेगा और लोड में मसला हो सकता है, या किसी हमारी मशीन है या लोड है उसमें मसला हो सकता है। तो हम क्या करते हैं उसमें लोड डिले लगा देते हैं। जैसे स्टेबलाइजर होता है फ्रिज का या फ्रिज हमारी होती है, तो हम उसमें डिले लगा देते हैं 10 सेकेंड का, कि लाइट आ जाए 10 सेकेंड के बाद वो फ्रिज हमारे ऑन हो जाए, ताकि थोड़ा डिले हो। तो यूज़ करते हैं हमेशा वहाँ पर टाइमर रिले। अब हम क्या करेंगे उसी टाइमर रिले से स्विचिंग रिले थोड़े डिले से चलाएंगे, स्विचिंग रिले को थोड़ा देर से चलाएंगे। अब स्विचिंग रिले क्या करती है, वो भी लोड को स्विच ऑन ऑफ करवाती है, मगर उसमें डिले का ऑप्शन नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी की स्विचिंग रिले को ऑन कर रहे हैं डिले टाइमर रिले से। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइमर डिले रिले से टाइम सेट करेंगे कितने सेकंड के बाद स्विचिंग रिले हमारे ऑन हो जाए और हमारा लोड ऑन हो जाए। तो उसकी कनेक्शन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कनेक्शन। यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इनपुट पे फेस दे दिया है और न्यूट्रल दे दिया यहाँ। अब फेज एट ए टाइम टाइमर रिले में भी जा रहा है और फेज हमारा स्विचिंग रिले में भी आ रहा है, मगर जो स्विचिंग रिले में जो हमारा फेज है वो 8 नंबर कॉमन पे आ रहा है, कॉमन टर्मिनल पे। और कॉमन टर्मिनल हमेशा NC से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है और NO पे तब कनेक्ट होगा जब उसकी रिले को सप्लाई होगी। और आप हमेशा देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि 8 टर्मिनल कॉमन हो या 1 टर्मिनल कॉमन हो, आप जो भी रिले लेंगे उसकी ऊपर उसका डायग्राम बना हुआ होता है कि अगर 8 रिले है उसका जो 8 का नंबर कॉमन है उसका 6 जो है वो NO है और 5 NC है। ये हर रिले में ऐसा नहीं होता, आप जो भी रिले लेके आए उसका पहले डायग्राम देखें। हो सकता है अगर 8 टर्मिनल है उसका जो NC है वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ये आप पहले चेक करें उस रिले को। ऐसा ना हो कि जो हमने डायग्राम बनाया और ऐसे ही आप उसकी वायरिंग कर दें उसके बाद मसला हो जाए। तो आपके पास जो भी रिले हो या प्रोटेक्टिव डिवाइस हो, आप उसके ऊपर पहले उसका रेटिंग पड़े, उसके बाद उसकी वायरिंग वो भी पड़े डायग्राम। यहाँ पर आके देखते हैं, जैसे मैं बटन को ऑन करूँगा तो इस बटन से 2 टर्मिनल निकलते हैं, एक टाइमर रिले की कॉइल टर्मिनल में जाता है, क्योंकि हमें पता है 2 और 7 जो है वो कॉइल टर्मिनल होते हैं। फेज आ गया इधर और 7 को मैंने न्यूट्रल दे दी, तो ये टाइमर रिले ऑन हो गई। अब टाइमर रिले जैसे ऑन हो जाएगी तो 8 नंबर टर्मिनल है वो उसका NC टर्मिनल 5 वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक इंडिकेटर दे दिया है कि जैसे टाइमर रिले ऑन हो जाए उसके बाद ये इंडिकेटर ऑन हो जाए। अब मैंने सेटिंग यहाँ पर रख दी है 10 सेकेंड की, तो ये 10 सेकेंड तक ये जलता रहेगा इंडिकेटर। उसके बाद 10 सेकेंड जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो ये 6 टर्मिनल जो है NC वो जो NO टर्मिनल है 8 का वो ऑन हो जाएगा, उसमें सप्लाई आ जाएगी और ये इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा। और जैसे ही NO टर्मिनल 6 नंबर है वो ऑन हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आउटपुट अपना देगा स्विचिंग रिले को, क्योंकि स्विचिंग रिले के कॉइल टर्मिनल में स्लाइड आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगी। अब जैसे ये ऑन आ गई होगी हमारे स्विचिंग रिले, तो 8 नंबर टर्मिनल हमारा 6 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो भी लोड होगा स्विचिंग रिले पे वो ऑन हो जाएगा। अब देखें कि जो हमारा लोड है वो डायरेक्ट स्विचिंग रिले पे नहीं है, हमने क्या किया है ये लोड डायरेक्ट दे दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी हमारा लोड है वो कॉइल के थ्रू रिले पे हो। ये सिर्फ टर्मिनल यूज कर रहा है लोड, रिले पे इसका कोई बटन नहीं है, यहाँ रिले हमारी ओवरलोड नहीं होगी। रिले क्या करेंगे, सिर्फ स्विचिंग करवाएंगे। जैसे ये बटन, ये जो टर्मिनल है टाइम डिले रिले का, ये जैसे कट ऑफ हो जाएगा बंद हो जाएगा तो रिले ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और हमारा लोड बंद हो जाएगा, मगर सिर्फ यहाँ जो रिले स्विचिंग रिले सिर्फ स्विच
सामान के लिए लोड को कैरी नहीं करें, इसके टर्मिनल्स यूज हो रहे हैं मगर लोड इस पे नहीं है, क्योंकि जो इसका लोड है वो डायरेक्ट कॉमन में कनेक्टेड है, रिले की कॉइल में नहीं कनेक्टेड। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था कि हम किसी भी स्विचिंग रिले को टाइम डिले रिले से कंट्रोल करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।